हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 लेक्चर इज गोइंग ऑन एंड टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ राज्यसभा। देर आर टू हाउसेज इन अवर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट राज्यसभा बिकॉज इट इज द अपर हाउस। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देर आर टू हाउसेज इन अवर इंडियन पार्लियामेंट। ईच ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट इज एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। कॉमन पीपल डू नॉट वोट डायरेक्टली फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। द रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द मेंबर्स ऑफ विधानसभा। द रेजिडेंट्स हु आर लिविंग एनी स्टेट्स दे वोट फॉर द एमएलए। एमएलए फुल फॉर्म इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन दीज एमएलए इन टर्न इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो कॉमन पीपल द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द स्टेट इलेक्ट द एमएलए। देन एमएलए इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। राज्यसभा इज अ अपर हाउस। दे आर टू चैम्बर्स, लोकसभा इज लोअर एंड राज्यसभा इज अपर। सो इट इज अपर हाउस और वी कैन से दैट इज ए अपर चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो इस 10 ईयर इज अबाउट 6 ईयर्स। दे कैन गेट री इलेक्टेड। 6 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद स्टिल दे अगेन री इलेक्टेड। ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। द प्रोविजन इज लाइक दैट फॉर राज्यसभा इन अवर कंट्री ऑल मेंबर्स डू नॉट रिटायर ऑल डू नॉट कंप्लीट देयर सिक्स ईयर टर्म एट द सेम टाइम। आफ्टर एवरी टू ईयर्स ओनली 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म्स। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड ओनली फॉर दोज 1/3 सीट्स। The 1/3 seat with the members, 1/3 members have complete their terms. Election will be take place only for these seats. Thus, the Rajya Sabha is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent house of the parliament. What is the advantage of the permanent house of Rajya Sabha in the country? The advantage of this arrangement is that इवन वेन द लोकसभा इज डिजोल्व, यदि लोकसभा डिजोल्व हो भी जाती है बिकॉज आफ्टर एवरी 5 ईयर लोकसभा डिजोल्व कंप्लीटली अगेन इलेक्शन टेक प्लेस फॉर ऑल द सीट्स। सो वेन द लोकसभा इज डिजोल्व इलेक्शन आर येट टू टेक प्लेस, इलेक्शन होना बाकी है, लोकसभा डिजोल्व हो चुकी है। द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एंड अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड। यदि उसी समय लोकसभा द सिचुएशन इज दैट लोकसभा हैज डिजोल्व इलेक्शन आर नॉट टेक प्लेस स्टिल एंड देर इज ए अर्जेंट बिजनेस अर्जेंट मैटर इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, दैट टाइम मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन बी कॉल्ड टू डिस्कस ऑन दैट अर्जेंट बिजनेस। वट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा? हाउ मन मेंबर्स इन राज्यसभा? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। 238 members are elected from the states. Apart from these elected members, there are 12 nominated members also. These 12 nominated members are nominated by the president. So, president nominate these members. And president nominate these members from different fields. The person who have made their work in the fields of literature, science, art and social services etc.
एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेट दीज मेंबर्स ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट और वी कैन से दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रेजेंटली इट्स स्ट्रेंथ इन इंडिया इज अबाउट 245, मैक्सिमम इज 250, बट प्रेजेंटली स्ट्रेंथ इज 245. 2. So we have seen that there are 238 members are elected and some 12 members are nominated. Nominated members are nominated by president and elected members are elected by the indirectly method. But not only in India, there are so many countries where we are having two chambers in the national legislature. Here, so there are two methods to elect the members to second chamber. In India, second chamber is known as Rajya Sabha. The symmetrical representation. First method is symmetrical representation. Second method is asymmetrical representation. In this method, equal representation is given to all parts of the country, irrespective of their size or population. When any country equally or fixed seats are given to all the states, irrespective of their size or population, we call this symmetrical representation. For example, in USA, every state has equal representation in the Senate. The second chamber, the upper house in USA is known as Senate. In Senate, equal representation is given to all the states. This ensures equality of all the states. But this also means that a small state would have the same representation as the larger states. कोई स्टेट छोटा हो सकता है, कोई स्टेट बड़ा हो सकता है, बट इन दिस रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, चाहे वो बड़ा स्टेट है छोटा स्टेट है, सभी को इक्वल सीट मिलती है फॉर द सेकेंड चैम्बर. सेकेंड इज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. दिस सेकेंड मेथड मीन्स दैट रीजन्स और पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेशन. दो स्टेट ज्यादा बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उस स्टेट को ज्यादा सीट्स मिलती है. एंड the state which is smaller and having the low smaller population having less representation. जो state ज्यादा population उसको ज्यादा seat मिलती है, इसकी population कम है उसे कम seat मिलती है. So I am again repeating, this second method means that regions or parts having larger population would have more representation in the second chamber than region having less population. For example, in India we follow this representation for the Rajya Sabha. So we have adopted this system for Rajya Sabha in India. The number of members to be elected from each state has been fixed by the fourth schedule of the constitution. In the fourth schedule of the constitution we have mentioned the seats, and the seats are fixed for each state according to their population. What are the benefits of this system? UP with a population of 1718.29 lakh and Sikkim population is about 5.71 lakh. If we would follow the symmetrical, then both states would get the equal seats. But we are, our constitution framers went with the asymmetrical method, not with symmetrical. And now that's why in symmetrical method UP is having 31 seats and Sikkim is having 1 seats because of difference in population. That's all for today, students.